अपने घरों की ओर निकलेंगे और पैनिक की स्थिति ना हो इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बारिश की इंटेंसिटी भी लगातार सुबह से बढ़ती जा रही है और जो वक्त बताया गया है 3 से 6 बजे के बीच ये तूफान मुंबई के काफी करीब से गुजर सकता है और अगर इसने रफ्तार अपनी दिशा बदल ली तो हो सकता है कि ये मुंबई से भी टकराए और उस हालत में काफी यहाँ तबाही मच सकती है। इसको देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट की जो यंत्रणा है वो पूरी तरह से सक्रिय कर दी गई है। तमाम महानगर पालिका के अस्पतालों को खाली करा दिया, उनको हिदायत दे दी गई है, इसके अलावा पुलों को खाली करा दिया गया है ताकि अगर इमारतें गिरती हैं या फिर लोग बेघर होते हैं तो इनमें जाकर ये लोग रह सकते हैं, वहां पर उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये सारे प्रबंध जो है इस वक्त राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सावधानी लोगों को बरतनी ही होगी। बीएमसी ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है, सलाह दे दी है लोगों को, 2 बजे से पहले पहले हर हालत में आपको अपने अपने घर पहुंचना है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, उन्हें हर हालत में 2 बजे अपने अपने घर पहुंच जाना होगा 2 बजे से पहले पहले। और इसीलिए ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, बसों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को दिक्कत कम हो और जल्दी से जल्दी लोग अपने अपने घर पहुंच पाए, क्योंकि चक्रवात का अंदेशा है और 3 से लेकर 6 बजे तक तूफान ये चक्रवात पहुंच सकता है मुंबई, यही खबर आ रही है। कम दबाव का क्षेत्र मुंबई से महज 250 किलोमीटर दूर रह गया है। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है मुंबई की तरफ, मुंबई से होता हुआ ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा। तो 2 बजे से पहले पहले लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचने की सलाह यहां पर दे दी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज हवाएं चल रही है मुंबई में, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। चक्रवात इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और लोग ऐसे थे जो जागरूक नहीं है, वो धीरे धीरे जानकारी उन तक पहुंच रही है और वो अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता मुंबई के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हमें जानकारी दे रहे हैं। अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो उस पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है, फ्लाइट देरी से टेक ऑफ कर रही है, जो फ्लाइट दूसरे शहरों से मुंबई एयरपोर्ट पर आ रही है वो भी देरी से आ रही है। अगर हम रेल सेवा की बात करें तो फिलहाल रेल जो सेवा है उसे सुस्त किया गया है, इसीलिए ताकि लोग अपने अपने घरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि 2 बजे से पहले पहले आदेश जैसा कि दिया गया है बीएमसी की तरफ से, लोगों को अपने अपने घर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं ये कम दबाव का क्षेत्र है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो ये मुंबई से ये क्षेत्र है ये सिर्फ अब 250 किलोमीटर की दूरी पर है और रत्नागिरी से है ये सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले प्रेस को संबोधित करते हुए, आइए सुनते हैं। हमारे अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना मिली है कि फयान जो डीप डिप्रेशन कल तक थी वो आज सुबह से